Hello all, welcome to yet another session on government scheme. Before this session, we have already discussed one of the very important government scheme from the Ministry of Social Justice and Empowerment. If you haven't watched that, please go and watch and then only come to this particular session. Because I have given some key points where you can understand why this particular scheme belongs to this particular ministry. अगर आपको वो समझ गया तो आपको कभी भी ये समझना नहीं पड़ेगा, कभी भी ये रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम ये मिनिस्ट्री से क्यों आ रही है. अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, गो टू माई प्रीवियस सेशन, आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में सारी चीजें पता चल जाएगी. ओके, so let's begin to this particular session. So right now we will be discussing the scheme called as PM Ajay. Usi ka long form hai Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyudaya Yojana. Jati ke bare mein baat kiya hua hai, caste ke bare mein baat kiya hua hai. Kaun se caste ke development ke liye yahan pe baat kiya hai? Sare ke sare caste kya? Nahi sir, sare ke sare caste nahi. बस शेड्यूल्ड कास्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात किया है इन दिस पर्टिकुलर योजना. कौन से? शेड्यूल्ड कास्ट के डेवलपमेंट के लिए बात किया है अंडर दिस पर्टिकुलर योजना. तो ये जो स्कीम है ना, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स है. कौन कौन से? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सेकेंड इज स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब लैंड, एंड बाबू जगजीवन राम छात्रवास योजना. और ये स्कीम कब से चलते आ रही है? 21-22 से चलती आ रही है. ओके, तो इसके 3 कंपोनेंट्स है. बट ये किस तरह के 3 कंपोनेंट्स है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स है. व्हाट इज मेंट बाय सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इज नथिंग बट ये ऐसी स्कीम होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा डालता है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा डालता है. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं तो क्या? तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डालेगा और यूनियन टेरिटरी भी कुछ पैसा डालेगा. तो आप देखोगे अगर दोनों लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का, तो आप बोलोगे कि वो पर्टिकुलर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. ओके, तो फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका कॉर्पस था 100 करोड़. तो उस 100 करोड़ के कॉर्पस में 50 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट डाल रहा है और 50 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रहा है, तो आप उसको बोल दोगे इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. बट पूरा का पूरा अगर 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है तो आप उसको बोलोगे दैट इज अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम. पूरा का पूरा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रहा है तो आप उसको बोलोगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ओके, तो अभी 3 कंपोनेंट्स क्या है सर वो बता ही दो ना. बता देता हूं. फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना. आदर्श ग्राम योजना कुछ नहीं, हमें एक पर्टिकुलर एरिया को आदर्श बनाना है. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान आदर्श कब मानते हो आप उसको? जब उसमें काफी अच्छे क्वालिटीज हो, वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो, काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो, काफी ज्यादा स्मार्ट वर्क कर रहा हो, उसमें काफी ज्यादा एम्पैथी हो, ठीक है, वो दूसरों के बारे में सोचता हो, तो आप उसको बोलोगे ये मेरे लिए आदर्श व्यक्ति है. तो वैसे ही हमें एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर विलेज को हमें आदर्श ग्राम बनाना है. मतलब हम चाहते हैं कि वो ऐसा विलेज बने जिस विलेज को देख के बाकी सारे विलेजेस इनको फॉलो कर ले. मतलब ठीक है, आदर्श ग्राम मतलब ऐसा विलेज वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम अव्वल दर्जे की होनी चाहिए. मतलब क्या? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, वहां पे इनकम इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए बिटवीन द रिच क्लास एंड द लो क्लास, ठीक है, वहां पे हर तरह के कास्ट के लोग एक ही तरह की ऑलमोस्ट एवरेज इनकम उनकी होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए,
वहां पे तरह तरह के नए बिजनेसेस स्टार्ट होने चाहिए, उस विलेज में स्टार्टअप कल्चर होना चाहिए। तो आप ऐसे विलेजेस को बोलोगे आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम ऐसा विलेज है जिसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। तो हम आदर्श ग्राम क्यों बनाना चाहते हैं, हम एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं एक बेस्ट विलेज का। ये बेस्ट विलेज को देखो और उसके अगेंस्ट में आपका विलेज भी इसी के मद्देनजर में रखते हुए आप इसको डेवलप कर दो। ठीक है, आदर्श ग्राम हमें कौन से एरिया को बनाना है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्कीम के बारे में, शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। तो ऐसे एरिया को आदर्श ग्राम बनाना है जहां पे मेजॉरिटी लोग शेड्यूल्ड कास्ट के होते हैं। ठीक है, ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट कंपोनेंट आउट हियर। सेकेंड कंपोनेंट में क्या बोला है यार, सेकेंड कंपोनेंट में बोला है कि हमें सोशो इकोनॉमिक लाइफ हमें इंप्रूव करनी है ऐसे डोमिनेटेड विलेजेस की। मतलब क्या करना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर विलेज में हॉस्टेल्स रहे, होटेल्स रहे, स्कूल्स रहे, कॉलेजेस रहे। क्यों रहे? क्योंकि अगर अच्छे हॉस्टेल्स नहीं रहेंगे, रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं रहेंगे, या फिर वहां पे वहां के लोगों को लोन नहीं दिया जाएगा, या फिर उनका अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, वो लोग बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रहेंगे। बट इंडियन गवर्नमेंट को किसी को भी बैकवर्ड नहीं देखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो बोला है ना कि हर एक इंसान को डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है हमारे कंट्री में। तो इसीलिए अगर उनकी डिग्निफाइड लाइफ अगर हमें प्रोवाइड करना है ऐसे एरियाज में जहां पे काफी कम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहां पे हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे फैसिलिटीज। अच्छे अच्छे फैसिलिटीज मतलब जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। तो इसलिए अच्छे हॉस्टेल्स हमें प्रोवाइड करने हैं, हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है। स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे तभी जाके तो एक इंसान एम्प्लॉयड हो पाएगा कहीं जाके। जब एम्प्लॉयड हो जाएगा तब जाके सैलरी आएगी, सैलरी आ जाएगी तभी जाके तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका हो पाएगा ना। उसके बाद यार किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है, उसको भी तो पैसा दिया जाना चाहिए ना। अगर बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा ही नहीं है तो क्या उस बंदे की लाइफ इंप्रूव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहां पे क्या बोला गया है, ग्रांट सेट एड में हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लाइवलीहुड बिजनेसेस के लिए हम यहां पे पैसा देंगे। कौन पैसा दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है और स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। किसको पैसा दे रहा है, विलेजेस को पैसा दे रहा है, ताकि वो अपने विलेज को आदर्श ग्राम बना सके, ताकि वो अपने विलेज को डेवलप कर सके। कितना पैसा दिया जाएगा, अभी बता दूं या बाद में बता दूं? कुछ नहीं अभी बता देता हूं, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। 50,000 रुपए बस दिए जाएंगे। किस लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नए बिजनेस के एसेट को खरीदने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फिशरमैन है जो एसिड डोमिनेटेड एरिया में रह रहा है, उसको फिशिंग नेट खरीदनी है, तो उसको कितना रुपए दिया जाएगा, 50,000, और 50% ऑफ द एसेट कॉस्ट और 50% ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अगर 1 लाख का फिशिंग नेट है तो उसको मैक्सिमम कितने रुपए दिए जाएंगे, 50,000 रुपीज, क्योंकि वो तो मैक्सिमम लिमिट है। बट अगर 20,000 का अगर प्रोडक्ट हो, उसका फिशिंग नेट हो, तो उस केस में कितना पैसा दिया जाएगा, 50% ऑफ दैट कॉस्ट, तो कितना, 10,000 रुपीज। तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना पैसा देंगे बिजनेस के एसेट को खरीदने के लिए, 50% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और मैक्सिमम 50,000 रुपीज। आई होप वी आर क्रिस्टल क्लियर ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद अभी यार विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट भी तो करना है। अभी स्किल डेवलपमेंट करना है तो फैकल्टीज हायर करनी है, एक प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए, एक क्या बोल सकते हो उसको, एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसमें भी तो पैसा खर्च होगा ना, उसमें कितना पैसा खर्च होगा सर, बस 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। कितना पैसा देगा गवर्नमेंट,
10% grants provide किए जाएंगे for the skill development out of the total budget. ठीक है, okay. अभी अगर कोई women को, scheduled caste women को अगर पैसा चाहिए तो उसको कितना रुपए दिया जाएगा? उसको यार ये 50% के अलावा, ये maximum 50,000 के अलावा उसको additional 50% भी पैसा दिया जाएगा from the total grants. ठीक है, अलग से साइड में पैसा अप टू 15% विमेन के लिए दिया जाएगा. कौन से विमेन के लिए? शेड्यूल्ड कास्ट विमेन के लिए. किस लिए दिया जाएगा? फॉर सेटिंग अप देयर बिजनेसेस. ठीक है, तो पूरे ग्रांट में से अप टू 15% विमेन को दिया जाएगा. कैसे विमेन को? बिजनेस विमेन को. ओके, 30% किस लिए दिया जाएगा? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और 10% दिया जाएगा फॉर स्किल डेवलपमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, और यहां पे और क्या बोला जा रहा है यार? हम चाहते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट के विमेन डेवलप हो, तो शेड्यूल कास्ट के विमेन के कुछ कोऑपरेटिव्स है जो अलग अलग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं. यार इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उनके बारे में लोगों को पता भी तो होना चाहिए ना, उनकी मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी ना. अगर मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, अगर लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो इन्होंने जो मेहनत की है उनका फल कहां से मिलेगा ना इनको? फल मिलेगा ही नहीं. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, तो हमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट्स एससी विमेन कोऑपरेटिव्स में बनाए गए हैं उनको भी मार्केटिंग करना है. उसके लिए भी पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट पैसा देगा. गवर्नमेंट मतलब कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, आई होप वी आर क्लियर ओवर हियर. उसके बाद हॉस्टल्स बनाने हैं यार हमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. देखो यार, अगर कोई बंदा या कोई इंडिविजुअल अपना गांव छोड़ के एक ऐसे एरिया में आ रहा है जहां पे उसका उसको कॉलेज मिल गया है, अभी अगर कोई दूसरे एरिया में अगर वो माइग्रेट हो रहा है तो उसके खर्चे भी तो रहेंगे, उसको हॉस्टल की कॉस्ट बहुत ज्यादा है आजकल. अगर एक कोई पर्टिकुलर बंदा विलेज से आ रहा है और पुणे में ठहर रहा है तो उसको कॉस्ट ही कम से कम 7,000 से 8,000 रुपए तो उसके हॉस्टल में ही लग जाएंगे. तो वो अगर बंदा काफी ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आ रहा है तो वो बंदा अफोर्ड कर पाएगा क्या इतना हॉस्टल में पे करना? ऑब्वियसली नहीं. तो उसके दिमाग में क्या आएगा, उसके फैमिली के दिमाग में क्या आएगा कि हम इसका एजुकेशन ही नहीं करवाएंगे? क्यों? क्योंकि हम चीज हॉस्टल की फीस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे. तो गवर्नमेंट तो ये नहीं चाह रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का तो डेवलपमेंट हो ही हो, तो इसलिए वो बोल रहा है कि हॉस्टल बनाने का भी पैसा ना हम लोग आपको देंगे. कौन देंगे? हम लोग आपको पैसा दे देंगे. कितना देंगे? 3 कैटेगरी है उसकी. अगर प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया जो काफी ज्यादा, मतलब एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, एक तो हिमालयन स्टेट्स हो गए, और एक तो प्लेन एरियाज हो गए. प्लेन एरिया जैसे पुणे प्लेन एरिया में आता है, ठीक है, मुंबई प्लेन एरिया में आता है. तो यहां पे बनाने, अगर यहां पे हॉस्टल बनाना है तो वहां पे कम पैसा हम दे देंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल. कितना देंगे? 3 लाख रुपए. ठीक है, उसके बाद अगर हमें हिमालयन स्टेट्स में, दैट इज नॉर्दर्न हिमालयन रीजन्स में, दैट इज हिमालयन स्टेट्स में अगर हॉस्टल बनाने तो वहां पे कितना पैसा देंगे सर? 3.25 लाख. और नॉर्थ ईस्ट ही तो हमारी प्रायोरिटी है ना, नॉर्थ ईस्ट को ही तो डेवलप करना है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा. कितना? 3.5 लाख रुपीज. दैट्स इट. तो तीन ही तो चीजें याद रखनी है. प्लेन एरियाज में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हिमालयन में 3.25 लाख दिए जाएंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न में 3.5 लाख रुपीज दिए जाएंगे. 25-25 लाख का ही तो डिफरेंस है. तो कैसे याद रखना है? 3, 3.25 और 3.5. किसको सबसे ज्यादा है आपको पता है, किसको मिडल में है वो भी आपको पता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न, तो उसको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा. ओके ओके, और उसके बाद क्या यार? यार हॉस्टल में है, हॉस्टल में कॉट लगेगा, बच्चे को पढ़ाई करना है उसके लिए स्टडी टेबल लगेगा, तो उसके लिए भी हॉस्टल में एक बच्चे के प्रति 5,000 रुपीज अलग से दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया,
तो किस लिए दिए जाएंगे? फॉर परचेसिंग ऑफ कॉट एंड परचेसिंग ऑफ टीवी. उसके बाद यार हॉस्टल तो बन गया बट उसका वियर एंड टीयर तो होगा, तो उसको बार बार मेंटेन भी तो करना पड़ेगा. पेंटिंग निकल जाएगी, कभी टाइल्स टूट जाएगी, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस भी तो करवाना पड़ेगा. वो पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है. कितना? कुछ नहीं सर, 5 साल में 5 लाख रुपीज दिए जाएंगे बस. कितने? 5 ईयर्स में बस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है. और हॉस्टल कितने लोगों का बनेगा? 50 लोगों का बनेगा. और हॉस्टल कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 27 मंथ्स. तो सारे के सारे जो हॉस्टल्स है मैक्सिमम 27 मंथ्स में कंप्लीट होने ही चाहिए. ओके. उसके बाद एक रिसेंट चेंज है जो आपको पता होना चाहिए कि जो हॉस्टल जो बॉयज के लिए बन रहे, शेड्यूल्ड कास्ट के बॉयज के लिए बन रहे, वहां पे जो पूरा का पूरा कॉस्ट शेयर किया जाएगा अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शेयर किया जा रहा है. उसके पहले ये कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर कर रहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर कर रहा था. किसके लिए? याद रखो, शेड्यूल्ड कास्ट के बॉयज के हॉस्टल के लिए बस. पूरा का पूरा पैसा कौन दे रहा है? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है. दैट्स इट. और क्या ही पढ़ना है उसमें, देख लेंगे एक बार थोड़ा क्या क्या है. और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, एक चीज होंगी वो एक देख लेंगे आगे, ठीक है. तो यहाँ पे कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमें हॉस्टल्स बनाने हैं उसका रिकमेंडेशन कौन करता है? उसका रिकमेंडेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को पता है ना कौन से कॉलेजेस में सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्टल की. ओके. इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है. क्या यार, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एससी मेजॉरिटी विलेजेस का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होने चाहिए. वही सारी चीजें बोलिए कि एससी और नॉन एससी पॉपुलेशन की में इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, ना कि इनकम इनइक्वालिटी. तो इसलिए हम चाहते हैं कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट का वो पर्टिकुलर विलेज में डेवलपमेंट हो जाए, ताकि इनकम शेड्यूल्ड कास्ट का और नॉन शेड्यूल्ड कास्ट का एक ही तरह का रहे वो पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है. हम चाहते हैं कि बीपीएल शेड्यूल कास्ट फैमिली के पास फूड और लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहे, तो उसके लिए हम तरह तरह के स्कीम्स के अंतर्गत फ्री राशन तो बांटते ही बांटते हैं, ठीक है. उसके अलावा हम चाहते हैं कि यार हर एक बच्चा, शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा अप टू सेकेंडरी लेवल तक का तो एजुकेशन मिनिमम ले ही ले. उसके बाद हम चाहते हैं कि वो शेड्यूल्ड कास्ट का जो विलेज हमें आदर्श ग्राम बनाना है, हम चाहते हैं कि वहां पे कम से कम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स रहे और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट रहे. हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया में कोई भी बच्चा माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन का शिकार ना हो. हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया में कोई भी विमेन माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो. ओके. तो वो पर्टिकुलर एरिया में 10 डोमेन्स के अंदर हमें डेवलपमेंट करना है. कौन से डोमेन है? दिख रहा है आपको वो चीजें, बस आपको एक बार पढ़ लेनी है. और वो सारी चीजें क्या है, हमने बताई तो है. ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए. ऑब्वियसली यार, आप कैसे बोलोगे एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप्ड है जब उसके पास हर एक फैसिलिटी हो जो एक अर्बन एरिया को मिल रही है. ड्रिंकिंग वाटर उनके घर तक आनी चाहिए, उनके विलेजेस क्लीन होने चाहिए, वो विलेज में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो विलेज में अच्छी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटी होनी चाहिए, रूरल रोड्स अच्छे होने चाहिए, हाउसिंग अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए उनको, क्लीन फ्यूल मिलना चाहिए, क्लीन फ्यूल सिलेंडर उनको मिलना चाहिए. बेसिकली वो गांव में अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग, विमेन जो है चूल्हे पे खाना बनाएगी और जिसके वजह से चूल्हे के धुएं के वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक अस्थमा, लंग डिसीजेस काफी ज्यादा होते हैं. तो बेसिकली ये दस चीजें हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलप करने हैं. ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, रूरल रोड्स एंड हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन फ्यूल. एग्रीकल्चर सेक्टर उस एरिया का डेवलप होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द विलेज, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो उस केस में कभी भी एग्रीकल्चर इनकम इंप्रूव नहीं हो सकती है लेबर्स की. तो इसलिए एग्रीकल्चर में हमें कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा वो पर्टिकुलर एरिया में, जिसके वजह से ही वो पर्टिकुलर
एरिया के लोगों की इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इंप्रूव हो सकती है. नेक्स्ट इज ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन. हम चाहते हैं कि हर एक बंदा फाइनेंशियली इंक्लूड रहे वो पर्टिकुलर एरिया का. उसके बाद डिजिटाइजेशन, यार ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर विलेज है, अगर आपको वही वहां पे अभी भी छोटे छोटे चीजों के लिए बैंक में जाना पड़ रहा है या छोटे छोटे गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल करने के लिए कोई सेतु में जाना पड़ रहा है या वन स्टॉप सेंटर में जाना पड़ रहा है, उससे बुरी चीज क्या हो सकती है. हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर विलेज में इतने ज्यादा इंटरनेट रहे, इतना ज्यादा एप्लीकेशन हैवी रहे, इंटरनेट हैवी रहे, कि सबको वो एरिया में जो भी लोग रह रहे उनको फिंगर टिप्स पे, अपने फिंगर टिप्स पे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज के, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभ मिल सके. ठीक है, तो आप देखोगे कि मोस्टली सारे विलेजेस में डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स तो पहुंच ही रहे हैं. आप देख रहे होंगे एक उमंग ऐप आया था, उसके बेसिस पे गांव वाले लोग भी COVID-19 की वैक्सीनेशन उमंग से बुक कर सकते थे. ठीक है, तो डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स के बारे में गांव गांव में भी लोगों को पता है अभी. और लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट, ये तो हमें पता है कि हम लोग पैसा तो देने वाले स्किल डेवलपमेंट के लिए और लाइवलीहुड के लिए भी. ओके, आई होप वी आर क्लियर ओवर हियर. उसके बाद ग्रांट इन एड में हमने बात कर लिया क्या होने वाला, स्किल डेवलपमेंट 50,000 50% सब बात किया हुआ है, ये बात किया हुआ है. ठीक है, ये क्या हॉस्टल कंपोनेंट को पहले हम क्या बोलते थे, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, छात्रावास हॉस्टल, उसी का नाम चेंज करके हॉस्टल बोल दिया हमने. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का ही नाम चेंज करके हमने हॉस्टल कंपोनेंट कर दिया. ओके, सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. ये कुछ नए नए स्टैटिस्टिक्स है करंट अफेयर्स में, मुझे नहीं लगता है पूछेंगे, बट एक बार मैं बोल ही देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ तो जाए. ठीक है, 1834 विलेजेस को डिक्लेयर कर दिया था एज अ आदर्श ग्राम इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ठीक है, और नए 15 हॉस्टल सैंक्शन किए थे अंडर हॉस्टल कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम. ये पता नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट ये एक बार दिमाग में रह जाएगा तो अच्छी चीज है कि 23-24 में आदर्श ग्राम कितने डिक्लेयर किए गए हैं, 1834. एंड दिस सम्स आर पर्टिकुलर सेशन. सो वी हैव कवर्ड अबाउट द पीएम अजय इन दिस सेशन. इफ यू लाइक दिस सेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एग्जाम के लिए क्या क्या पूछेगा बताता हूं. पीएम अजय के अंदर कितने स्कीम्स है पता होने चाहिए. आदर्श ग्राम योजना है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट है, उसके बाद हॉस्टल कंपोनेंट है. ये तीनों के तीनों किस तरह के स्कीम है, ये तीनों के तीनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट इसमें से पूरा का पूरा एक ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा फंड कर रहा है, हॉस्टल फॉर बॉयज, हॉस्टल फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बॉयज. अनुसूचित जाति में, यहां पे जो जाति वर्ड आया है, जाति वर्ड किसके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा है. ओके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तीन कंपोनेंट है पहली चीज. उसके बाद आदर्श ग्राम में कौन कौन से डोमेन्स है वो पता होना चाहिए, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर विलेज आदर्श ग्राम हो गया है. उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, बिजनेस वुमेन को कितना पैसा दिया जाएगा, नॉर्मल बिजनेसमैन मतलब वुमेन को छोड़ के अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उनको कितना पैसा दिया जाएगा. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया जाएगा पता होना चाहिए. ओके, उसके बाद ये तो पता होना चाहिए 3 लाख, 3.25 लाख और 3.5 लाख. उसके बाद 5,000 रुपीज दिया जाएगा टू परचेज अ कॉट एंड अ टेबल फॉर अ स्टूडेंट. उसके बाद 5 साल में मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाएगा कितना, 5 लाख रुपीज. कितने के लिए, फॉर अ हॉस्टल ऑफ 15 मिनट्स. हॉस्टल्स कितने टाइम में कंप्लीट होने चाहिए, बस 27 मंथ्स में पूरे के पूरे हॉस्टल कंप्लीट हो जाने चाहिए. आई होप यू लाइक दिस सेशन. If you liked it, do let me know in the comment section because your comments are much more valuable to me. Thank you so much. Hope to see you in the next session. Thank you so much. Have a good night. Bye-bye.